राम राम भाई सारण है आपका आज के ब्लॉग में स्वागत है भाई। कल रात की वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कल हो गया फ़ोन स्विच ऑफ। फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद दिक्कत ही होगी, बारिश होगी, ओले पड़न लग गए, हमारी ट्रेली में नीचे गद्दे थी वो भी भीग गए। और नीचे देखो यो एक DDU का कुछ हॉस्टल है बच्चे का, देखो पोस्टर लग रहा है हॉस्टल है कुछ, इसमें डट रहे आप कुछ भाई रहनी है अड़े उन्हें डटे थे आप। अरे फिलहाल भाई टाइम हो रहा है करीब 6:30 6:30 7 आस पास है। देखो भाई तो मंदिर कितना बैंक करो रहा पिक्चर, फ्लैश जला ली भाई, देखो ये पड़े आड़ा दुख वाला कितना हो रहा भाई। बुरी तरह से कल छत गिर गई आड़ते, देखो टीन डाल रही टूट आट को, इतना बारिश आई है जबरदस्त, बहुत बुरा हाल हो गया भाई। कावड़ी बहुत दुखी पाए हैं कल, हम भी भाई बहुत दुखी पाए हैं, कम से कम आड़ 50 से 60 से ऊपर ऊपर कावड़ी हो गए भाई। और जिसमें तो अपने बहनी के नोनी बहनी के सारी सिल टूट गई बता। देखो इस साल तो हॉस्टल में बच्चे न रखे ये आड़े खिड़की नहीं चौकर देता, वाह कल भाई कितना जोर का तूफान ओले आए है, आड़े भितरती ओले पड़े हैं भाई, बहुत बुरा हालत हो रही थी। कौन सोचता हो ना भाई कि डाक उड़ तो दुनिया लेने जाओ उसका महत्व को नहीं, बैठी ला के दिखाओ कितने तंग पाओ हो बेरा पटे, ये बाड़ा है सारे तंग पा रहे थे को सुते जो क्या करो सारी रह सोए को नहीं आलम सोवे किस तरह घने तो बैठ बैठ काटी है भाई, बहुत दुख पाए हैं। और ये भाई इस पलर सारे अपने कावड़ी जाली है, हम बर्तन धोए भाई ने और सफाई करके इसमें ट्राली में सामान जचाया, हम नगद देगा दे चाहवागे वे रह भी रहे हैं जचा के फिर चलेंगे उन अगले ठिकाने मिलेंगे। ये बाबा सुते है भाई जो कि खड़ी कावड़ ले रहा बाबा वो गड़काया करा पता क्योंकि भाई सारी रात ले राखी न खड़े रहे हैं। ठीक है भाई, भाई एक बात मेरा पटे के भाई यो NGO का बनवाया होड़ा मतलब छोटे बच्चे का कोनी उनका यो भाई रुपये लुटन का सौदा अपना बताऊँ दाऊँ मेरा पटे मैंने भी इसके बारे में यो थर्मामीटर लगा रख थर्माकोल लगा रखा है थर्माकोल ऊपर टीन है रुपये कमा रखे अब्बल मोटे रुपये कमा रखे मतलब अगला ना भाई किसी पर बड़ो बड़ो का चंदा वंदा इकट्ठा कराया होगा 1.5-2 करोड़ रुपये आराम त और फिर यो बना कर गिरा दिया और दिखा दिया थर्माकोल, देखो तो उन्हें दिखाऊंगा थर्माकोल है तुम प्यूर देखो देखो बताओ बताओ। और ये लोग कर दिखा रखे भाई काट के देखो, ये देखो एक साइड ने बीत ये लूट मचा रखी है भाई, किसी ने भी रुपया दो ना चुंदा चुंदा दो सोच समझ के दो भाई, तब नहीं वो मतलब बुरा हाल हो रहा है देश में लूटपाट का कसुत्ता काम हो रहा है, ध्यान तो रहो ही बताओ आड़ कावड़िया खातर पूर्ण कर तो दिया जुगाड़, चलो बढ़िया बात है भाई सोन खातर कर हाँ तो नू तो होना चाहिए भाई के जगह तो सुथरी हो, देख यार के बुरा हाल हो रहा बता अड़े सारे बीज गए सारे सारे जागण लग रहे थे। देखिए पानी कुकर की ट्रेस सीट देखो और ऊपर तो पड़े उड़ी है ओले पड़े थे अड़े भीतर भाई, तो भाई चंदा बंदा दो सब ने सोच समझ कर दो भाई। हाँ मारा भी तिरपाल बैठ गया भाई जो कल लिया था 570 रुपया का बता, इन ब्राम भी भाई ओले गेर दिए फसल फसल में नुकसान हुआ होगा मैंने बेरा है के करा भाई, ये भावना तो पुगानी पड़ेगी कावड सारे काम करने पड़ेंगे। चलो सब भगवान की माया फिर लूँगा भाई चंदा वंदा जो भी दो सो समझ कर दो और भाई कावड़िया की थोड़ी रिस्पेक्ट करो और जगह जगह शिविर कैंप वगैरह किसी पर लगाया जाओ बढ़िया तो कैंप लगा दो, इससे बढ़िया किसी तरह दान दो। और ठीक है भाई हर हर महादेव भाई, फिर हम चल पड़े थे और चलते चलते हम पहुँच गए शामली, ये अपने जितने भी कावड़ी है वो आगे एक बिजली बोर्ड आओगा उस आगे है चूड़े जाकर उनका चाह पानी का प्रबंध करांगे गुड्डी गादी बिछावेंगे सुपरी डाल और फिर खोआ पवाएंगे और फिर आगे का सफर तय करांगे भाई। मौसम तो बारिश का हो रहा है डर पूरा लागा बिछड़ का इस मौसम पर भगवान की डाल करेगा भाई। अब पहुँच गए हाँ एक आड़े बिजली बोर्ड है उसके दौरे एक मंदिर है जो मैं छोटा मंदिर बना रहे शिव मंदिर
शंकर भगवान का भाई यार अपने का डायरेक्टर है और एकाओ जी और अपने और कुछ भगजन है और अपने साथी गण पिछाण लग रहे हैं भाई। तो वो थानो पास से दिखा दिया हा लो आज तक कितने किलोमीटर चल गए हो? 12 किलोमीटर निकल गए भाई। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का पड़ा मारे यहाँ पहला 100 रुपए ला खूब मारे है तो बढ़िया बात है। और ताऊ जी आप तो खड़ी काट दो उन्होंने जमा खुश बढ़िया ना बाकी मेरे तो नाराज लागो वो ना करो नहीं। अब चाय बीड़ी चल रही है चाय बीड़ी उसके बाद कराना मारेंगे सीधा। ठीक है तो सब बढ़िया है ले वही तो और अपने कौड़े साथी है मिला ले सारे बोला था ले वो यार तू चाह बना रखी यार चाह पीने लग रहे सारे देखो और बाबा बीड़ी पीने लग रहा है। और देखो तुम शंकर भगवान का मंदिर दिखा दिया शिव मंदिर है भाई भोलेनाथ का देखो यहाँ पे माता जी है जो शिवलिंग पर जल अर्पित करने आई है अभी सूरज को जल दे रही है वो बहुत अच्छा मंदिर है बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे हनुमान बजरंगबली की भी मूर्तियाँ है और बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है जिसे पंडित जी पूजा आरती पूजा करते हो और यहाँ पे पूजा करने के लिए बहुत से आस पास के लोग भी आते हैं। और भैया अपने सारे ने गद्दे गुद्दे उठा लिए हैं और महाराज जी पंडित जी हमारे मंदिर के और पंडित जी के हमने पैर छू के यहाँ से चल पड़े हैं और अब चलेंगे अपना ट्रैक्टर वो रहा और अपने जितने कौड़ साथी वो सभी आगे चले गए हैं गद्दे वगैरह सारा सामान रख लिया है अब चलने की तैयारी करते हैं। मोबाइल भी चार्ज कर लिया है लो भाई फिर पताल पड़े हाँ ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है बदल बदल रे बदल दे ताला है और अगले स्थान पर रुकांगे और अपने कौड़िया की सेवा करांगे साथिया चाल पानी पिवांगे हर हर महादेव। लो भाई राम राम सारा ना लो भाई बाड़ा रुकांगे ये राधा स्वामी का आश्रम है उसके सहमी आड़ा गद्दे गिरांगे साइड माड़ा पर थोड़ा बाकी हम न खड़ा करा था डॉक्टर ने गेट मुंद लिया कदे भाई भीतर आगे नहीं बैठ जा यार सिस्टम कोई डाल का यार कोई मतलब नू नहीं यार हिंदू धर्म हिंदू है ये नहीं समझ सकते सनातन धर्म से ऊपर कुछ नहीं फिर भी बताओ कितना भेदभाव कर रहे ताला लगा दिया कदे अंदर नहीं आ जा दोनों गेट बंद कर दिए देखो भाई ताला हो रहा यार कुछ बात हुई फिर हमें जरूरत ही नहीं है हमारे पास गद्दे भाई मार दो गद्दे रहे हम गद्दे भी छा लेंगे बाकी थारा भाई ने एक बढ़िया काम कर दिया सारा इलाका मूल्या का इनका महत्व ट्रैक्टर लेकर गए एक बार भजन दे भगवान शंकर के भजन और उठे लाए और नुए भजन दे रहा हूँ भाई एक बार फिर जावांगे ले भाई अपने गद्दे घेर दिए है अपा के मन ना अपा के पीछा हटे ना रवा है कोनी तुम अपने कौड़ी आने लग गए अरे ले भाई अपने दो तीन कौड़ी तो पहले आ गए थे विश्राम करके चाह पानी पी के वो चाल पड़े है अभी और अपनी ये कौड़ी ये बैठे थोड़ा और विश्राम करेंगे चाह पानी पियोगे चाह पानी पी कर फिर ये चाल लगे अटद हाँ बाबा वो गाड़ी पाए चल रहा है और परेशान तो वो है भाई दम नबेर आपको थोड़ी दिक्कत सी हो रही है प्रॉब्लम ये अपनी कावड़ रही और भाई इस पर और चाह बनाने लग रहे हैं सारे चाह पी ले राम राम भाई सारे ना भाई हम पच गए यमुना नदी पर यहाँ पर सारे जल में स्नान करेंगे और जमुना यमुना का आगरा जमुना जी घाट पा गए भाई ले भाई बाकी यमुना का आगरा मैंने तो बेरा को कोई जमुना जी का दे देखो यहाँ पर महादेव का भी शिवलिंग है बहुत सुंदर शिवलिंग देखो यारे ब्रह्मा विष्णु महेश नंदी महाराज भी वाह बहुत सुंदर दृश्य है वह यहाँ पे सबसे पहले आप सारे कावड़ी अपने आओगे फिर स्नान करांगे फिर अपने चल लांगे अड़ते ये देखो योगी का फोटो ला रहे योगी अड़ाया उड़ा भाई अच्छा अपने देखो दर्शन करा देता हूँ लो महादेव के दर्शन करो भाई सबसे पहले आप ये अपने महादेव जी
शंकर भगवान। अच्छा आपको एक और ये देखिए भाई, ये शायद काली माता का मंदिर है। देखो भाई मंदिर का नाम तो ना लिखा हुआ यार मैंने, बेरा भी कौन, मेरे को गलती हो तो भगवान माफ करियो। देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, भगवान ही है, जय हो। अच्छा आपको जमुना जी का भी दृश्य दिखा देता हूँ, बहुत सुंदर। वाह देखो बहुत सुंदर घाट है भाई, यहाँ और भी कावड़ी है, तीर्थयात्री आ रही है, स्नान करने लाग रहे हैं। देखो एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आयु करीब 70+ होगी वो भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। देखो ये कुछ कावड़ियों की कावड़ है, ये अपना बाबा बोगड़ नहाने के लिए स्नान के लिए जा रहे हैं। और जल देखो, जल बहुत ही सुंदर है पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। ले भैया पर चाल पड़े हैं कावड़ ले गए बैठकों के साथ में, और सारे अपने साथीगण कुछ बैठे वही पे, और ट्रैक्टर भी वही पे प्रसाद पर सूच डाल दिया और स्नान कर लिया और चाला। हाँ जमुना पद है और 10 किलोमीटर जा गए, बाट देखाएंगे उनकी। हाँ कौन सा अंकल है, छाजपुर बाट देखाएंगे भाई। साथ में चल रहे भाई देख लो, हाईवे मेन रोड पर चल रहे हैं। अरे नुन मुड़ना किस से सीधा जाना मैंने फिर देख लो भाई, अपने तो दो तीन साथ ही रहना, वो पीछे रह रहे बस और सारे आगे चलना रे भाई। बस पीछे खड़े मिले पर आया अपने फिर यार, मैं पूछ भी देखने भाई। अरे जय श्री राम, हर हर महादेव। राम राम भाई, सारे ने छाजपुर गांव में पहुंच गए। हाँ सारे तक चल दे सारे मगर चलना रे भाई, मैं और भाई टंगू ना सच्ची मैं चल रहे भाई। हम कन्नू सोच रहे हो, देख मैं सारे कौड़ को लेंदा भाई, क्यों झूठ बोलू। अब ले जब जरूर तो लीलू जरूर थी भाई, छाले छुले हो रहे थे भावे तो ले लिया भैने, ना जरूरत होंगी जब लेंदा को नहीं बस नू है। हाँ बाकी सारे अपने साथी बहन पीछे पीछे आ रहा, रोड भी पीछे है, सुथरा टाइम पास हो रहा है, स्वाद है रहा पूरा बोले की दया है। अरे पूछ जाए ठिकाने पे वह लीलू और सब्जी बनाओ है, रोटी रोटी बनाई फिर जाके खावांगे। और ठीक है भाई, अरे ना भाई बता दे क्या बताओ भाई, 7 बजे वाले हो रहे हैं इव लगे धर्मशाला को मिली है, 12 किलोमीटर चल लिए खरे, और पूरा दिन की भूल जाए तो ले 35-36 किलोमीटर चल लिए हम। क्यों गए यार, गोड्डे का डी रह ली सारे गोड्डे कौन है, आड़ा पिंडी भी रह ली भाई, पिंडी भी रह ली। अरे छोटा कावड़िया भी नहीं, सही चल रहा है ओ, यो छोरा जब बक्से भाई बस नाले नाव दो दिन में 2-3 बार है, बाकी चल रहा साइकिल 2-3 बार नाव भाई छोरा, ये अपने सारे कावड़िए रे भाई यार, 2-3 आगे जा रहे भाई, धर्मशाला बुझ है और ट्रैक्टर में भी जा रहे आगे जा रहा अपना ट्रैक्टर भी आगे जा रहे है भाई, कई किलोमीटर आगे ही है, 2 किलोमीटर चुकी है अपने नहीं आई भाई। सोच रहे ना भाई, मैंने गरम तेल से मम्मी को कॉल करके बता दिया है, इसलिए कंबल की फैक्ट्री देखी है अभी। अरे भाई नहीं सुने, गरम तेल मांगा है, गरम का गरम तेल चाहिए, मैंने पिंडिया को मैं छोड़ूंगा ना भाई, अपना नहीं हो रहा कि मैं सही चल रहा यार, हेल्पर हा भाई, जरा जरूरत पड़ेगी उड़ा मदद करांगे। ठीक है भाई, पूछ धर्मशाला मिल गए तो अगली वीडियो बनावांगे, ना मिली तो चले जाओ, तू रह ठीक से भाई, राम राम। चल दे भाई, ट्रैक्टर दिख गया अपने, यो आड़ सीख लिया है और वो अपने कौड़ी आन ला रहे है, ले आड़ डटांगे इब या बना दी जगह, चलो भाई ले बा गद्दे गुद्दे के रखे, साल थोड़ा सेटल कर रखे, जा बाबा की ले ली जी खड़ी गया, ले भाई जगह तू सारी है। अरे वाह ला भाई, बहुत बड़ा हुल मिल गया बब्बे की दया है, ला भाई ये छोटू सेवा करने लग रहा भाई, ला भाई बब्बे की दया तो भाई बोर्ड है बोर्ड। ले भाई यहाँ साढ़े विश्राम करांगे, सबसे पहले आरती करांगे आप, फिर खाना खुना खावांगे सारे, पहले तो खाना बनावांगे, खाना बना बनो के आरती कर करके सोवांगे। और भाई आज का व्लॉग यहाँ पूरा हो गया, मिलते आपको अगली वीडियो में, अपने गद्दे गुद्दे तो लाग गए भाई, सारा कुछ तो सेटल हो रहा है, चूल्हा चूल्हा लग रहा है।
ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟ ਕਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਲਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਲੀਲੂ ਔਰ ਫੁੰਡੀਅਰ ਸਾਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲਾਂ ਟੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ सारी मेहनत भाई लीलू कर ला रहा सब्जी बना लग रहा मिक्स वेज लीलू ने बहुत मेहनत करी है भाई साहब एक बार आपका चेहरा दिखाए और बताए जी आपने भाई सब्जी कैसी बनाई आज भाई वो चेक करके तो बताएंगे हाँ मिक्स वेज बताइए अच्छे बनाते हैं आप सब्जी मिक्स वेज है गोभी मूली सिंगरे पत्ता गोभी कोकला मिर्च मेथी भिंडी आलू धनिया लाल गोभी बताओ भाई इतनी सब्जी मिला के इतनी सब्जी बनाओ दोबारा डाल गई है भाई कर दे और भाई सारे तारीफ करे सब्जी की नूनी जितने भी भगत है ना भाई सारे खा कर लो भाई भूली लू बहुत बढ़िया सब्जी बनाने लग रहा है भाई बहुत बढ़िया बात है सारे भगत नहलो जानू का भाई सब्जी ले लू बनवा सारे ना भाई आरती कर लिए भाई सारे आरती आरती कर भाई बनाना लग रहा है ले लो भाई और सारी मेहनत भाई ले लू कर ला रहा सब्जी बनाने लग रहा है मिक्स वेज और ले लू ने बहुत मेहनत करी है भाई साहब एक बार आपका चेहरा दिखाया और बताए जी आपने भाई सब्जी कैसी बनाई आज भाई वो चेक करके तो बताएंगे हाँ मिक्स वेज बताइए अच्छे बनाते हैं आप सब्जी मिक्स वेज है गोभी मूली सिंगरे पत्ता गोभी कोकला मिर्च मेथी भिंडी आलू धनिया लाल गोभी बताओ भाई इतनी सब्जी मिला के इतनी सब्जी बनाओ दोबारा डाल गई है भाई कर दे और भाई सारे तारीफ करे सब्जी की नूनी जितने भी भगत है ना भाई सारे खा कर लो भाई भूली लू बहुत बढ़िया सब्जी बनाने लग रहा है भाई बहुत बढ़िया बात है सारे भगत नहलो जानू का भाई सब्जी ली लू बनवा देख लो भाई रोटी राटी बनने लग रही है मैंने रोटी खा ली भाई हम तीन चार रोटी खा ली और सारे खाने लग रहे हैं देख लो भाई पूजा कर ली है उड़ो भाई अजी दूर सुत्या हुआ आज बिना जगह मिल गई जैत पर तो एक लग रहा है ट्रेडिंग करा कर भाई ट्रेडिंग में व्यस्त हो रहा है शेयर मार्केट में लगे रहे हैं वो देख लो भाई सारे बोले रोटी खाने लग रहे हैं लो भाई सारे रोटी खा ली है सोन की तैयारी चल रही सारे सो गए तीन चार जने तो सो गए भाई और भाई थोड़ा सामान सो गए साइड करके फिर सो गए बारी बारी सो जाओगे ठीक है भाई आज का लोग आड़े पूरा हो अगली वीडियो कल मिलेगी अपने सारे ने ठीक है भाई राम राम जय श्री महाकाल।